हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देख कर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरु मां ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, मुझे जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी, अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरु मां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरु मां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि रम गई निज आत्म में आहार त्यागा पद त्यागा सिद्धियां त्यागी क्षण में अंतिम उपदेश आशीष दिया रम गई नमोकार धुन में निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग, ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन हर प्रकार का फल। हाँ सब छोटे छोड़ दे बाबा घंटा घर जी के दरबार में। हाँ और कुछ बात कहनी है किसी को है? नहीं कहनी है? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा रोना नहीं देता है। देखो बेटा ये आत्मकल्याण की बातें हैं, अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसी मर गई बिना ज्ञान की जानी हुई, ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन की तरह आयोजन के 24वें दिन भी प्रातः काल सभी भक्तों ने पूर्ण मनोयोग से भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा जी का मंगल अभिषेक किया।
अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगलमय क्रियाएं की गईं। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। कल अपना चला था कि त्याग के लिए धनोपार्जन करना यह उचित नहीं है। यद्यपि धन से ही धर्म होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, उससे पुनर्जन भी होता है, पूर्वार्जित कर्मों का हानि होती है, क्षय होता है। लेकिन कहते हैं कि धर्म छोड़कर, धर्म को तिलांजलि देकर धन कमाना योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है। अब कहते हैं कि भैया जो धन कमा रहे हो तो वह भोगों के लिए कमा रहे हो, तो भोग हर स्थिति में तुम्हें दुखदाई है, कष्टदाई है। कहते हैं आरंभे ताप कान प्राप्त वातृप्ति प्रतिपादिकम् अन्ते सदस्तजाम क्याम। भोगों को अमृत फल जानकर उनको ही मैंने सुख का कारण माना। यद्यपि ये जो हैं जैसे दीपक जलता है तो उसका स्वभाव क्या है, काजल का उगलना, काजल को देना। ऐसे ही विषय भोगों का स्वभाव क्या है, तृष्णा की वृद्धि करना। तृष्णा की, तृष्णा शांत नहीं होती है, तृष्णा बढ़ती ही जाती, लालसाएं बढ़ती ही जाती हैं, दिन दूनी रात चौगनी होती जाती है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से, घी डालने से वह और ही धधकती जाती है, ऐसे ही कहते हैं विषय भोगों को शांत करने के लिए, हम विषयों को भोगने के लिए भोगने चाहते हैं, भोगते हैं तो और ही कहते हैं लालसा बढ़ती जाती है। जैसे नदी का, हजारों नदियों का पानी समुद्र को तृप्त नहीं कर पाता है, ऐसे ही विषय भोग अपने को तृप्त नहीं कर पाते हैं। अन्ते सदस्तजाम कामम, कहते यदि इनको भोग भोगते 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 इतना वो उसमें आसक्त हो जाता है कि फिर उनको अंत में त्याग करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे जोंक होती ना, जोंक तो भाई गाय के थन में लगी रहती है, तो वह दूध शुद्ध दूध नहीं पीती है, दूषित रक्त पीती है। वह पीते पीते वह प्राणांत, प्राण तो त्याग कर देती है लेकिन वह रक्त को पीना त्याग नहीं करती है। ऐसे ही विषयों में आसक्त व्यक्ति, भोगों में आसक्त व्यक्ति वह विषयों को भोग मरण पर्यंत तक, बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उनको भोगने की, त्याग की बात कहे ना, अरे माता जी क्या कहती हो, अबे सोचेंगे विचार करेंगे। तो कहते हैं कि वह जो विषयों में आसक्त व्यक्ति मरण तो त्याग कर सकता। एक बुढ़ा था तो वह अपने दरवाजे के बाहर बैठा हुआ रो रहा था, तो एक महाराज वहां से निकले तो उन्हें पूछा भाई क्यों रो रहे हो, बोले के भैया मैंने इन बच्चों को तो बड़ी मेहनत से पाला पोसा, बड़ा किया है और इन्हें योग बनाया, और यही बच्चे हमें गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और खाने को नहीं देते हैं। मरे भी, पिटे भी, कुटे भी, फिर भी वह छोड़ने को तैयार नहीं होता है। ऐसे अंत सदस्तजाम कामा, इन कामों, काम वासनाओं को छोड़ना बड़ा कठिन है। अंत समय में ये छोड़ना, त्याग करना ये बहुत ही जरूरी है। जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तब तक जीवन का उद्धार और उन्नति नहीं होगी, संयम नहीं जीवन में आएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन्हें भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। ओम नमो अरहंताड़म,
अरत परमात्मा की जय हो। पंच प्रविष्टि भगवान की जो परम पूजनिया गणनी अर्का विद्या श्री माता जी समाधि सम्राग्री की जय हो। महान भाव आज बड़े ही हमारे जीवन में पुण्य का उदय है। आज हमारी इस युग की उत्कृष्ट समाधि को धारण करने वाली माँ विद्या श्री माँ का और आर्कर विद्या श्री माँ का दोनों जुड़वाओं माताओं का जन्मोत्सव है, अवतरण दिवस है। आज हमारे बीच हमारे गुरु माँ नहीं है, लेकिन उनका साया आशीर्वाद और याद हमेशा हमारे आत्मा के एक एक प्रदेशों में बसी हुई है। महान भाव यह मोह नहीं है, धर्म अनुराग है। इतना धर्मात्मा थी हमारी माँ श्री, हमको पता है। सवेरे 3 बजे से लेके 10:30 बजे 11:15 बजे चौकी में पहुंचती थी। आहार किया, कमरा बंद किया, 4 बजे खोला, 4 बजे का आध घंटा बोला, फिर थोड़ा सा प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण करने के बाद सीधे मंदिर आ गई। मंदिर आ गई तो 9-10 बजे तक के लिए सारा काम खत्म। ऐसी गरणी अर्का विद्या श्री माँ का आज अवतरण दिवस है। 13 सितंबर को टीकमगढ़ के राजा राम पहलवान और ज्ञानी बाई उनकी माँ धर्मात्मा परिवार, 4 भाई 4 बहनें थी। महान भाव 5 भाई 5 भाई 4 बहनें थी। अच्छा 4 भाई 5 बहनें थी। महान भाव ये दोनों जुड़मा बहनें, अब मैं इनको 2 को 1 मानता हूं ना, इसलिए मैंने कहा ये दोनों जुड़मा बहनें जिस दिन से राजा राम के और ज्ञानी माई के गर्भ में आई, उसी दिन से उस घर का सब प्रकार का विघ्न और दारिद्र दूर होने लगा। महान भाव ऐसी उनका जन्म स्थान टीकमगढ़ था। और अब मैं उन माता जी के चरणों में और आज वंदनामी करता हूं, नमन करते हुए उनके जीवन को, उनके परिवार में कितने उत्कृष्ट हैं। सारा विघ्न समाप्त हो गया, पैसे की समस्या समाप्त हो गई, मकान बने, जहां उनका जन्मदिन हुआ तब से वहां पर उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। और जहां जहां रही आचार्य श्री विद्यासागर के संघ में रही, उनके पिता रहते थे संघ की पूरी सेवा करते थे, रिद्धियां सिद्धियां उनके साथ ऐसी थी, जहां जाती थी रिद्धियां सिद्धियां बरसाती थी। और जिस क्षेत्र में उनने पैर रख दिया वह क्षेत्र बन गया। यही बड़ा मंदिर में कैलाश पर्वत का पंचकल्ला होने में कितने विघ्न, कितनी कमी थी। गुरुकुल में जिस दिन से माता जी ने वहां जाप अनुष्ठान किया, कैलाश पर्वत जैसा महान मंदिर बन गया और गुरुकुल का कायाकल्प हो गया। लेकिन इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता है, वो हमें पता है ना। इस भूमि में जहां पर आदमी खड़े होने में डरता था, इतनी दहदल थी, नीचे चला जाता था आदमी। इतनी दहदल भूमि पे उनने जैसे ही पैर लगा, आज ये हस्तिनापुर की नंबर 1 की भूमि है, उत्कृष्ट भूमि है और सुंदर इतनी है कि जो इतिहास पुरुष भीष्म पितामह आए हुए हैं उनकी गंगा मां के बगल में ये आश्रम बना है, बिल्कुल सटा हुआ। और इतना अतिशयकारी यह आश्रम है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये मां की कृपा है। हमारी मां विद्याश्री का नाम जब तक इस धरा रहेगी अमृत को प्राप्त रहेगा। ऐसी मां विद्याश्री माता जी और उनकी
जन्मा बहन पिता श्री माता जी दोनों चांद सूरज के समान थे, एक दिन में उजाला करती थी, एक रात में चांदनी बिखेरती थी, और जो उनकी शरणों में आता था उनको सुखी कर देती थी। ऐसी हमारी माता जी के चरणों में उनके अवतरण दिवस पर उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हूँ। हे माँ, जब तीर्थंकर बनो तो मैं भी स्वधर्म बन इंद्र बन के तुम्हारी पूजा स्तुति करूं, ऐसी आशीर्वाद देना, तुम्हारे संवरण में ऐसा नाच नचूं कि वह समोसरण भी आतिक जितने समोसरण लगे उसकी छटा न्यारी हो, ऐसी माँ विद्याश्री अविद्याश्री के चरणों में बार बार बंदामी बंदामी बंदामी। मेरा नाम प्रशांत जैन है, मैं एटा से आया हूँ। मैं सब परिवार यहाँ विद्याश्री माता जी के आश्रम में हस्तनापुर में 41 विधान चल रहा है नमोकार मंत्र का, जिसमें माँ विद्याश्री माता जी के सानिध्य में आप सब भी आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा और आनंद पूर्वक विधान होता है, आप सब भी आके धर्म लाभ लीजिए। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महा आरती की गई। करते नित सेवा ओम जय परसी देवा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।